Hey friends, welcome to a new video. तो आज हम बहुत सारे फूड आउटलेट्स को कॉल करके उनके पास से बहुत उठपटंग डिमांड्स करने वाले हैं। और वो हमारी डिमांड्स पूरी करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कितनी हद तक पूरी करते हैं, वही सारा कुछ आज हम चेक करेंगे। तो वही सब देखने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को बोले बिना लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। यस, लेट्स गो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप कहां से जल्दी और बिना रिस्क के अच्छा पैसा कमा सकते हैं? नहीं तो हम आपके साथ एक प्रूवन तरीका शेयर करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में हमारा इंट्रोडक्शन मनीष के साथ हुआ। उन्होंने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है जो अपने सब्सक्राइबर्स को रोज 20,000 से ज्यादा कमाने में हेल्प करता है। पहले तो हमें खुद पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हमें सारे रिजल्ट्स और प्रूफ दिखाए। उसका ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और ये एविएटर गेम के सिग्नल्स को परफेक्टली प्रिडिक्ट करता है। और इस गेम में जीतने के लिए आपको बस सही ऑड्स जानने की जरूरत है, और इसने हमें दिखाया कि ये कितने अच्छे तरीके से काम करता है। हमने खुद भी उनके सॉफ्टवेयर के साथ खेलने का ट्राई, और ये देखिए हमारे फर्स्ट रिजल्ट्स। इसलिए हम इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं और आपको मनीष को रेकमेंड करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपनी विवा फैमिली के साथ वो अपनी ऐप बिल्कुल फ्री में शेयर करेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके मनीष को लिखिए कि आप विवा फूड वर्ल्ड से हैं, ताकि आप इसे एक्सेस कर सके। कमाने की अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। तो आप सबको बताएं कि अब तक हमने कितनी उटपटंग खाने की चीजें बनाई है और उसको खाई भी है। और वो सारी चीजें ना हमने खुद की है, मतलब जो खाने के साथ उटपटांग हरकतें करनी है ना, वो हमने खुद अपनी मर्जी से किए, लेकिन आज तक वो चीज हमारे लिए किसी और ने नहीं बनाई है। यस, हम दोनों के अलावा किसी और ने नहीं किया है ऐसा काम। हाँ, तो आज हम वही करने वाले हैं कि जो उटपटांग हरकतें आज तक हमने की थी ना, वो हरकतें हम करवाएंगे फूड के अलग अलग आउटलेट्स के शेफ के साथ। हाँ, तो भाई आज हम है ना जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, और फिर ऑर्डर करने के बाद फोन लगा के बोलेंगे, और जो खाने की चीज होगी ना उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा करने का। भाई वो टोटली, मतलब ऐसे बोलो ना, जिसके दिमाग में जो आया ना वो बोलेगा। ऐसा नहीं कि पहले से हमने फिक्स करके रखा है कि भाई फोन करके क्या बोलना है, लेकिन उस टाइम जो भी दिमाग में सूझेगा ना, ऐसा हम इम्प्रोवाइज करके कुछ भी बोल देंगे कि भाई ऐसा नहीं, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, और फिर हमारे हिसाब से वो बनाते हैं कि नहीं वो देखेंगे। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारा फोन भी काट दे, या फिर पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दे, या फिर हमको गाली भी दे दे। हाँ, कुछ भी है भाई, जो भी होगा ना सब कुछ आपके सामने होगा, हम आपके सामने ही कॉल लगाएंगे। और वो जब फूड आएगा तब भी हम चेक करेंगे कि भाई जैसा बोला था वैसा भेजा है कि नहीं, क्योंकि कोई कभी बार वो बोलते हैं ना कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वो अपने तरीके से ही बनाते हैं। हाँ, तो चलिए अभी एक एक करके ऑर्डर करते हैं और फिर उनको फोन लगाते हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर हम करेंगे ला पिनोस पिज्जा से, और वहां से मंगवाएंगे 7 चीज पिज्जा। आप सोचो 7 चीज पिज्जा में क्या आएगा, सबसे मेन चीज क्या होगी? चीज। चीज मतलब ये भर भर के एकदम खतरनाक, 7 अलग अलग चीज आती है क्या? पता नहीं, 7 चीजें तो जो भी है, लेकिन बहुत सारी चीज आती है 7 चीज पिज्जा में। तो हम उधर ऑर्डर करेंगे और फिर हम क्या बोलेंगे ना वो आप देखना। पहले ये पेमेंट कर देता हूं मैं। ये हो गया हमारा ऑर्डर, 10 हो गया। देखो भाई, पेमेंट हो गया, पैसा वैसा सब कट गया। अभी सीधा वहां पर लगाएंगे कॉल, पर अब आएगा असली मजा। ये कट हो गया भाई। बचा। थैंक यू फॉर कॉलिंग ला पिनोस पिज्जा। और बड़ा, प्लीज होल्ड द लाइन व्हाइल आवर एग्जीक्यूटिव आंसर योर कॉल। उठा लेना भाई। हाँ जी, अभी है ना एक ऑर्डर आया होगा आपके पास आकाश जोशी के नाम से, जोमेटो का। हाँ बोलो। आज वो 7 चीज पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है। हाँ, तो उसमें मेरे को एक इंस्ट्रक्शन देनी थी, वो मैं लिखना भूल गया, इसके लिए कॉल करके बता रहा हूँ। वो हाँ, वो जो 7 चीज पिज्जा है ना, एक्चुअली पिज्जा तो करना है लेकिन चीज नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, अरे वो मेरे को थोड़ी एलर्जी है, डॉक्टर ने मना किया है चीज के लिए पिज्जा। तो सर उसमें चीज ही आता है, दूसरा कुछ आता ही नहीं है। चीज के अलावा बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो आप रखो वैसा ही, लेकिन चीज मत डालो उसके ऊपर बस। चीज के अलावा उसमें कुछ आता ही नहीं है। ओ, आप तो वो पिज्जा सॉस वगैरह कुछ नहीं लगाते? पिज्जा सॉस ही आएगा, डीप आएगी। हाँ तो वो ऐसा ही दे दो चलेगा, लेकिन चीज बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि मेरे को उसकी एलर्जी होती है चीज की, इसके लिए। तो भी आपको दूसरा पिज्जा सिलेक्ट कर
लीजिए सर। अरे वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वही चाहिए मेरे को। अरे वही चाहिए, मैंने ऑर्डर तो कर दिया है ऑलरेडी, आपके पास आ भी गया होगा ऑर्डर। देखो सर चीजी सेवन में खाली सेवन चीजी आएगा, टॉपिंग नहीं आएगी। हाँ वो मैं समझ गया, तो जो भी चीज के अलावा जो भी आता है वो भेज दो, चलेगा। चलेगा हाँ, जो चीज मत डालना बस। बेस पे पिज्जा सॉस आएगा सर। हाँ एलोपिनी टिप आएगी, कुछ आएगा नहीं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलेगा हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। ओके जी, थैंक यू बाय। बेचारा मेरे को कन्विंस कर रहा था सर उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, लेकिन भाई उसका भी बात भाई सही है, क्योंकि हमारे जितना पागल तो कोई होगा नहीं ना कि सेवन चीज ऑर्डर करके बोलेगा चीज नहीं चाहिए। पूरे किचन में ना अभी तहलका मच गया होगा कि भाई एक कस्टमर का ऑर्डर आया और उसको चीज के बिना पिज्जा चाहिए। मेरे को लगता है वापस फोन करके फिर से एक बार पूछेगा लॉक कर दूं, आर यू श्योर। अभी देखते हैं कि कैसा आता है ये सेवन चीज पिज्जा विदाउट चीज। तो ये लो जी, आ गया हमारा लापिनोस का सेवन चीज पिज्जा। तो भाई इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि चीज वाला पिज्जा भेजा है कि चीज बिना का। टेन टेन एंड मोदी खाई। अरे यार मैंने मना किया था फिर भी इन्होंने चीज भेजा यार, ये देखो भाई। और वो डिब्बी नहीं भेजा है, मेरे को लगता है वो डिब्बी इसको बोलते होंगे, वो डिब्बी में देते ना वो डिब्बी इसके ऊपर डाल दिया उन्होंने। हाँ लेकिन ये चीज है कि फिर नहीं तो इतना कम चीज नहीं आता है भाई उसके ऊपर, तो खतरनाक चीज आता है। ये ले चीज नहीं भेजा है विशु, ये देखिए चीज नहीं है, ये जो उनका ऊपर वो डीप जैसा आता है ना वो ही है, ये सॉस है भाई। चीज नहीं है इसके अंदर। नहीं क्या चीज नहीं है, ये चीज वाला सॉस है। लेकिन भाई फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ये काम किया तो उसके लिए उनके लिए थम्सअप बनता है। ये थम्सअप। और भाई मुझे ना ये पिज्जा सही लगा सच में। हाँ अच्छा तो लग रहा है टेस्ट में। हाँ और मैंने बोला ना उनके लिए थम्सअप बनता है, अगर उनके पास ये थम्सअप लेकर जाएंगे ना तो ये वही थम्सअप और क्योंकि वो तो हमारे से पक गए है ना, बिना चीज का सेवन चीज पिज्जा कैसे ऑर्डर कर लिया वही। तो ये थम्सअप लेके उधर मत जाना। तो चलो भाई अगली चीज ऑर्डर करते हैं। अगली चीज हम ऑर्डर करेंगे बर्गर, और वो भी कौन सा बर्गर? क्रिस्पी वेज डबल पैटी बर्गर विथ डबल चीज स्लाइस। ओहो इसके अंदर दो दो वो टिक्की आती है, पैटी आती है, वो वाला। हाँ और वो भी बर्गर किंग का। ओहो हो तो वाह, तो कर और उसमें क्या खुराफाती करेगा वो अभी देखे। पहले ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। हो गया पेमेंट, ऑर्डर हो गया। देखो पैसे भी कट गए, अभी सबसे पहले कॉल कर लेते हैं। देखते हैं अभी विशु क्या एकदम अतरम पतरम चीज करता है। ऐसे पास में रखना तो माइक में भी सुनाई दे। कॉल पिक नहीं कर रहा है। अरे आज वैसे भी सैटरडे है ना, रश पूरा खतरनाक होगा, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। ये मुंबई कॉल लग गया क्या, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कॉल लगाया क्या सीधा तुमने? अरे पता नहीं भाई, वापस कर वापस कर। ये उनका कॉल आया क्या सामने से? हेलो हेलो, बर्गर किंग से बात कर रहे हो क्या? हाँ जी सर। अभी है ना मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया है, एक डबल पैटी बर्गर है विथ डबल चीज स्लाइस का, विश्व जोशी के नाम से आया होगा। आकाश जोशी के नाम से? आकाश जोशी के नाम से आया होगा, मेरे फोन से कर रहा है ना। तो वो बर्गर, हाँ तो वो बर्गर में ना जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे ना वो चाहिए, लेकिन टिक्की मुझे नहीं चाहिए। पैटी, पैटी जो पैटी आप दो दो रखते हो ना वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ लेकिन चीज भी आएगा ना फिर? हाँ चीज आपका जो ऐड किया आपने वो आ जाएगा। हाँ लेकिन वो मुझे सिर्फ टिक्की नहीं चाहिए क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती है ना मुझे, इसलिए। अच्छा तो टिक्की विदाउट देना। हाँ विदाउट टिक्की कर दो। अरे उसमें क्या कंफर्म करने का? मुझे तो कम चीज चाहिए, मैं एक्स्ट्रा मांग थोड़ी रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए। आपको पैटी नहीं चाहिए ना सर? हाँ पैटी से सिर्फ नहीं चाहिए, जो दो पैटी आती है ना वो मुझे नहीं चाहिए, उसके सिवा जितने भी इंग्रेडिएंट्स आते हैं ना वो सारे डाल दो आप। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ हाँ भाई अभी पता नहीं करेंगे कि नहीं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी ब्रांड जब रहती है ना तो ऐसे वो बर्गर्स नहीं देते है किसी को, क्योंकि फिर अगर किसी ने ऐसा वीडियो बना दिया कि बर्गर किंग वालों ने ऐसा बर्गर ऐसा। हेलो जी सर, हो जाएगा। ओके ओके हाँ तो कर दो भैया है ना ऐसा। थैंक यू। चलो भाई अभी मान तो गए, लेकिन कैसा बर्गर आएगा वो तो जब आएगा
तो पता चलेगा। तो ये लो जी आ गया क्रिस्पी वेज डबल पेटी डबल चीज स्लाइस बर्गर विदाउट डबल पेटी। तो मैं आपके सामने इसको निकालते हैं बैग में से और देखते हैं कि एक बर्गर का इतना लंबा बिल। हाँ ये बर्गर से लंबा तो बिल भेजा है उन्होंने। दो दो केचप और खाली है खत्म। अरे ये इतना पतला ये इतना 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 हाइट वाला आता है। अरे भाई ये सच में जो बोला है वही किया है इन्होंने भी। ए भाई ऐसे ही बन। मैं क्या बोल रहा हूँ वेजिटेबल्स तो आते हैं ना। हाँ तो चिपक गए होंगे देख। अरे है भाई प्याज है। वेजिटेबल के नाम पर प्याज ही है सिर्फ। अरे दिखा तो सही सबको अच्छे से। हाँ देखो ये चीज स्लाइस है दो। अरे सॉरी मैंने नीचे किधर रख दिया। फिर प्याज है और इसके ऊपर जो उनका जो सॉस आता है ना चीज सॉस या फिर पता नहीं वो है येलो वाला। बस इतना ही है भाई अब पहला बाइट में। अरे मेरे को। अरे नहीं बर्गर को उल्टा कर उसकी टांगे उठाकर सर नीचे कर दिया तूने। ऐसे सारी चीजें खाते हैं ना तो इतना वो हल्का फुल्का लगता है ना और टेस्ट में भी अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन ये खट्टा लग रहा है इसका सॉस ज्यादा। हमें नहीं लग रहा है मेरे को बाद में खट्टा लगता है तेरे तेरे लैंग्वेज में पीछे से। जिसको खट्टा खाना है और ऐसे खाना है बहुत पैसे है तो भाई ऐसे खा लो। पागल है क्या ये किसी को रेकमेंड करने वाली चीजें नहीं है जो हम आज कर रहे हैं। भाई साहब अभी मैं जो काम करने वाला हूँ ना वो गाली पड़ने वाली ऐसी थी। अब जो ऑर्डर से ना वो भाई करता है। यस ये देखो मेरा ऑर्डर हो गया। देखो दिख रहा है ना भाई हमने ऑर्डर किए मुरमुरे बेल यानी कि मुरमुरे वाली बेल जो राइस पफ बोलते हैं ना जो ममरा बोलते हैं उसकी बेल जो भाई हर जगह बेल से भी आती है तो बेल मैंने ऑर्डर किए। अभी देखो मैं उधर क्या उठपटांग डिमांड करता हूँ। आप ऐसे लोट पोट हो गए पोट पोट हो जाओगे। ओह कॉपीराइट। हेलो हाँ भैया बोलिए। हाँ जी राजस्थान क्या भूल गए नाम सॉरी राजस्थान पानी पूरी एंड फास्ट फूड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ आकाश जोशी के नाम का ऑर्डर आया ना। हाँ भैया बोलिए। वो मैंने वो मुरमुरे बेल ऑर्डर किए तो हाँ जी हाँ तो वो है ना मेरे को वो एक थोड़ा उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गया था इसके लिए कॉल किया आपको। वो मुरमुरे बेल में ना मेरे को वो मुरमुरे नहीं चाहिए तो फिर बिना उसके तो फिर बेल अवेलेबल नहीं होगा नहीं तो फिर चूरा हो जाएगा भैया। तो उसके बिना जो भी मतलब उसके सिवाय भी और सारे इंग्रेडिएंट्स आते होंगे ना बेल में। क्या बात है भाई ऐसे मान गए भाई। और सुन मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो मुरमुरे ना बाकी सारी चीजों से थोड़े सस्ते आते हैं जब हम तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर भाई वो चूरा जो बनाते हैं इसके अंदर क्या क्या डालते हैं। सैलेड ज्यादा डालते हैं कि या फिर दूसरी कुछ चीजें डालते हैं कि नहीं छोटी पोटली बना के बेचते क्या पता। तो ये लो जी आ गई है हमारी बिना मुरमुरे वाली मुरमुरे बेल। ओहो ये कैसा है साला बिना मुरमुरे वाली मुरमुरे बेल। पता नहीं भैया ने कैसा भेजा है और कितना अंदर डाला है सब कुछ। तू मत बोल माल भाई माफ करो मुझे माफ करो क्या बोलता रहता है तू। एक चटनी की पोटली भेजी है। ओ वाह और पूरा डिब्बा भर के भेजा है क्या। हाँ डिब्बा तो पूरा ऐसे ऊपर तक भरा है। वाह वाह लेकिन क्या है वही देख रहा है ना। ये मुरमुरे दिख गए मुझे। नहीं अरे ये क्या भेजा है पता है भाई ये तो असली माल है। वो पानी पूरी की पूरी आती है ना उसको ऐसे टुकड़े करके चने प्याज बूंदी तीखी बूंदी आती है ना वो और सेव और आलू आलू हुए हुए। पहले प्लेट में निकाल भाई। भैया ने तो ये पानी पूरी खाते उसके बाद चूरा देते हैं ना वो वाला माल भेज दिया। ये भाई नीचे तक पानी पूरी का वो चूरा भरा है भैया ने। भाई वाह भाई तो मजा आ जाएगा। सेव भी डाली है। वाह नमक नहीं डाला भैया ने सब कुछ डाला। वो तो हमने मना नहीं किया था भैया नमक डालना भूल गए लेकिन भाई सही लग रहा है जैसा बोला वैसा इन्होंने भी किया। भाई एक चीज अभी तक अच्छी हो रही है कि जो हम उटपटांग चीजें बोल रहे हैं ना वो उटपटांग चीजें वो करके दे भी रहे हैं। हाँ और ऐसा भी सामने से ऐसा कुछ मना भी नहीं करे कि हम नहीं देंगे तो ये बेल वाले भैया को है थम्स अप और वो थम्स अप उनके पास लेके कभी मत जाना। हाँ तो अभी अगली चीज हम ऑर्डर करेंगे चना मसाला सब्जी और साथ में बटर रोटी।
ओए। तो रोटी में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वैसे भी चना मसाले में तेरे को क्या करना है, वो जो करना है वो तो जो बनाएगा उसको करना है ना, हमको तो सिर्फ खाना है। और ये ऑर्डर भी हो गया देखो जोमेटो का। तू फोन लगा और क्या बोलेगा क्या, वो तो बोल चना मसाला में क्या कर सकते हैं हम। अरे रुक, चना मसाला में मुझे चना ही नहीं चाहिए। मसाला मसाला ही चाहिए सिर्फ। कोई पीक ही नहीं कर रहा है भाई। जिगर भाऊ कुठे गेलास तुम्ही? पाजी कितो ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया, जोमेटो का नोटिफिकेशन आया, मेरे को लगता है तेरा पोपट। हेलो, अभी है ना मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया है, आकाश जोशी के नाम से होगा, अपना एक चना मसाला सब्जी है और अपनी अचार रोटी है। हाँ तो उसमें ये जो सब्जी है ना चना मसाला, उसमें मुझे चना नहीं चाहिए सिर्फ, ग्रेवी चाहिए। हाँ ग्रेवी चाहिए। ओके चलो, है ना, ओके थैंक यू। ओके वाह, अपने जिगर भाऊ पर ये दिलदार निकले। तेरा काम बहुत इजी होता है साला, अच्छा चना मसाला में चना नहीं चाहिए तो वो ऐसे चना नहीं डालेगा, अब मेरे जैसा करके दिखा, वो मुरमुरा बिल में मुरमुरा नहीं चाहिए। साला तू बहुत इजी टास्क देता है, उसके चक्कर में सब इजीली मान जाते हैं। लेकिन वो लोग कितना देंगे ना मुझे वो जानना है भाई। हाँ चना मसाला में चना चना ज्यादा दिखता है, ग्रेवी ग्रेवी कम दिखती है। तो भाई ग्रेवी इतनी देते हैं कि फिर इतनी देते हैं पता नहीं। तो ये आ गई हमारी चना मसाला सब्जी विदाउट चना। मतलब ग्रेवी और रोटी। यस तो देखते हैं, मेरे को ज्यादा वो नहीं है क्योंकि वो भाई एकदम इजीली कन्विंस हो गया था ना। ऑयल का तालाब भाई, वो तो रहता ही है जब हम बाहर से ऐसे ऑर्डर करते हैं तो। चम्मच चम्मच चाहिए इसके लिए। ये भाई चना ही नहीं है सिर्फ ग्रेवी, ग्रेवी है और मैं क्या बोलता हूँ, पनीर है घर पे, पनीर डाल अंदर मस्त पनीर बन जाएगा। अगर पनीर टिक्का हम ऑर्डर करते तो भाई कितने की सब्जी हो जाती है, 250 की। वैसे तो महंगी पड़ेगी। नहीं लेकिन भाई ये ग्रेवी कितनी ज्यादा दी है हमें। हाँ वो पूरा डिब्बा भर के ग्रेवी दी है, वो एक अच्छी चीज है कि भाई चने नहीं दिए। हाँ? ऐसा नहीं कि उसकी चने की जगह खाली रखी है। तो ये ढाबे वाले जो भैया है उनको भी थम्स अप। थम्स अप भैया, थम्स अप का जिगर भाई। तो देखिए तो टेस्ट में कुछ एकदम अलग नहीं लगेगी क्योंकि ग्रेवी तो वैसे ही आती है ना भाई। मस्त लग रहा है, बढ़िया, मजा आ गया। ये चीज है ना करने में उतनी वो नहीं थी, विशु ने एकदम टास्क उनको बहुत इजी दे दिया, अटपटा देना था कुछ। तो रोटी चाहिए जिसमें हमको गेहूं नहीं चाहिए और मैदा नहीं चाहिए, हमें वो लोग तो फिर गाली देते। भाई अभी नेक्स्ट चीज हमने सोची है ना वो आपको पहले बता देता हूँ इस बार। तो देखो मैं ना बॉम्बे सैंडविच जो आती है ना, आपको पता होगा वेज सैंडविच जिसको वेज चीज सैंडविच, नहीं चीज नहीं सिर्फ सैंडविच जो आती है वो। अच्छा वेज वेजिटेबल वाली सैंडविच, ब्रेड के बीच में ऐसे वो अलग अलग वेजिटेबल्स जैसे कि उबला हुआ आलू, बीट रूट, ककड़ी, टमाटर ऐसी सारी चीजें मस्त स्लाइस करके रखी होती है और उसको मस्त ब्रेड के बीच में ला के देते और वो हमको खाने का होता है। तो मैं ऑर्डर करूंगा वेज सैंडविच विदाउट ब्रेड। मतलब सिर्फ साग भाजी, सिर्फ सब्जी ऑर्डर करूंगा और दूसरा ऑर्डर करूंगा मैं ब्रेड बटर और उसमें भी बोलूंगा मेरे को सिर्फ बटर चाहिए, ब्रेड नहीं चाहिए। भाई ऐसी हालत होगी ना, मेरी हालत खराब होगी या उनकी हालत पता नहीं। ये देखो ऑर्डर हो गया, देखो पैसा भी कट गया, इतना खराब लग रहा है ना ये सब करते हुए। चलो भाई अभी कॉल लगाते हैं इनको। दूर से गाली नहीं फेंक के भैया बहुत बिजी है बिजनेस में, वीकेंड है भाई। हेलो बिजी बिजी कट कर दिया भाई। अरे ऐसे कैसे चलेगा, ये भैया को भी पता चल गया होगा ये साला उठपटांग डिमांड करेगा, उससे अच्छा है उसका फोन ही नहीं रिसीव करता हूँ वो भी गेम। हेलो हेलो, हाँ जी मैंने अभी ऑर्डर किया है, देखो आकाश जोशी के नाम का एक ऑर्डर आया होगा वेज सैंडविच और ब्रेड बटर वाला। हाँ साहब बोलो ना, हूँ करवाना चाहिए साहब। उसमें ऐसा करना है कि जो वेज सैंडविच है ना उसमें मेरे को ब्रेड नहीं चाहिए। ब्रेड नहीं चाहिए? हाँ जी, वो थोड़ा मेरे को डॉक्टर ने मैदे का मना किया है। तो क्या चाहिए आपको? उसके अलावा जो भी आता है सब दे दो। चालू रखो साहब, दो मिनट। हाँ जी चालू रखे। जी जी हेलो। हाँ जी हाँ बोलो।
हाँ जी, वो भाई को मैंने बोला, मैंने जो अभी वेज सैंडविच का और ब्रेड बटर का ऑर्डर किया है मैंने जोमेटो से, तो उसमें ना मेरे को वो अपना वेज सैंडविच में वो ब्रेड नहीं चाहिए। वेज सैंडविच में ब्रेड नहीं चाहिए? हाँ जी, वो मतलब ब्रेड के बिना जो भी सारा आता है वो दे दो, लेकिन ब्रेड एक्चुअली मेरे को एलर्जी है थोड़ी मैदे की, तो वो सलाद भेज दो आपको। हाँ, जो भी उसके बिना जो भी मतलब उसके ब्रेड के अलावा आता है वो भेज दो। ब्रेड के अलावा वेजिटेबल आता है? हाँ हाँ हाँ, वो पता है ना मेरे को, इसीलिए तो वेज सैंडविच ऑर्डर किया है मैंने। और हेलो, हाँ, साथ में मैंने ब्रेड बटर भी ऑर्डर किया है तो उस हेलो हाँ बोलो। हाँ जी, वो ब्रेड बटर भी साथ में ऑर्डर किया है ना मैंने, उसमें भी ब्रेड नहीं चाहिए। बटर मोक लो कोथरी में भरी ने, तो वैसे ही कर दो, कोई बात नहीं चलेगा। पेमेंट कर दिया है मैंने। तो आपने कंपनी को किया है ना, मतलब जोमेटो से डायरेक्ट वो कैसे पैक करूं सर? बटर किसमें भेजू? एक प्लास्टिक की पन्नी के अंदर एक 10 ग्राम 20 ग्राम बटर कैसे भेजू? आपके हिसाब से कर दो ना जो भी हो सकता है। अरे सर नहीं हो पाएगा, ये कोई दिमाग में ही बैठता नहीं है। चलो वो सलाद तो मैं भेज दूं। हाँ, वो चले। चलो एक डिश के अंदर पूरी डिश भर के 3 सैंडविच का सलाद एक में दे दूं आपको, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, लेकिन नहीं नहीं, जितना एक में आता है उतना ही भेजो, ज्यादा मत भेजना। अरे अच्छी तरह खाओ ना, आप ब्रेड नहीं खा रहे हो तो उसकी जगह और डबल सलाद दे दो, अच्छा लगता है मुझे भी। कभी सलाद खाओगे हेल्दी रहोगे, बढ़िया है। जी जी, लेकिन ब्रेड बटर में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें भी बटर आता है। हाँ, वो मेरे को आइडिया है, तो बटर भेज दो ना सिर्फ। अरे कैसे बटर भेजू सर, किसमें बटर भेजू मैं? अरे आपके पास बैग वैग कुछ भी होगा ना, पैकिंग तो आप करते ही होंगे ना एक चम्मच? अरे सर बटर पैक करने के लिए बटर पिघल जाता है। तो कैसे करोगे? पिघल जाता है तो क्या करेंगे? तो किसमें भेजेंगे? तो क्या करेंगे? अभी मैंने पेमेंट भी कर दिया है। हाँ तो सर ये मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, आपको आप बोलो तो डबल सलाद भेज दो। वो बटर उसके साथ ही भेज दो ना, चलेगा मेरे को? अरे सर अगर आप जैसे दिन में 10 कस्टमर आएंगे तो धंधा बंद करना पड़ेगा, मैं यहाँ आपसे बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो कैसे करूं? अरे आपका धंधा और चले और तरक्की करो, आप ऐसी कैसी बात करो? इतना टाइमिंग में वेस्ट कैसे करूँ आपसे? मैं कैसे बटर भेजू मैं आपको, और किस क्वांटिटी में भेजू? एक चम्मच भेजू? एक ब्रेड बटर में जितना आता है उतना ही भेज दो ना। अरे सर वो नाप नहीं होता, हम वजन करके थोड़ी उसके अंदर डालते हैं। इतना ही बटर है, इतना ही बटर है। देखो मैंने मेरी बात सुनो, आपको जो ठीक लगे वो कर दो, जो भेजना है भेज दो, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है? आपके हिसाब से आप भेज दो। कॉल भी कट कर दिया। अंकल का दिमाग फिर गया। मैंने क्या बोला था? धंधे के टाइम पे दिमाग सटकाता है, अभी क्या भेजेंगे क्या पता, बटर तो पक्का नहीं भेजेंगे। तो ये आ गई हमारी वेज सैंडविच और ब्रेड बटर। भाई ये वेज सैंडविच के अंदर भी ब्रेड नहीं है और ब्रेड बटर के अंदर भी ब्रेड नहीं है, दोनों के अंदर ब्रेड नहीं है। भाई वो भैया कितना भड़के, वो तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी भैया ने भड़कने के बाद क्या भेजा है वो देखते हैं। सबसे पहली भेजी है पोटैटो चिप्स। यस, तेरी काम की चीज। हाँ, चार चार टोमेटो केचप। अच्छा, और मेन चीज ये है, इधर देखते हैं भाई क्या हो सकता है। भाई ये तो देखो पोटैटो चिप्स है, मस्त वाली। वो हर सैंडविच के साथ आती है, तो उसमें कोई कारीगरी नहीं है, मेन कारीगरी इधर है। क्या? अरे इधर। अच्छा, मेरे को लगा बटर वाली चिप्स दे दी क्या? नहीं नहीं, वो बटर इसमें डाल दिया, देन सबको दिखा। ओहो भैया ने भेजा है ढेर सारा सैलेड। वाह भाई, इसको है ना पलटाना पड़ेगा प्लेट में, तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि नीचे सब ऐसे पूरे अच्छी तरीके से रखा है और इसके ऊपर ये कैबेज डाली है। टड़ां, टड़ां। ये देखो ओए ओए भाई, ककड़ी। फिर यार मस्त लग रही है ककड़ी, एकदम फ्रेश। वाह वाह। फिर उबला हुआ आलू, मैं जो सैंडविच में आता ना वही भैया ने डाला है। लेकिन ब्रेड बटर कहाँ गया? इस साला वो किधर गया? वो तो भेजा ही नहीं। टमाटर भाई, ब्रेड बटर के तो हमने पैसे भी दे दिए। बीट रूट तो उनका हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम इज मनी, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए भैया, इसमें भी मजा आया, अभी ऑर्डर करते हैं अगली चीज। भाई बहुत कर दिए कॉल, अब काम करेंगे ऐसा कि किसी ने ना किया ऐसा। हाँ, विशु मेरे को देगा पैसा नहीं। तो अभी है ना सबवे से मैं वेजी डिलाइट सैंडविच ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उसमें अटपटा क्या है?
वेजी डिलाइट सैंडविच, यानी कि भाई जो सब आता है ना वो उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स आते हैं, फिर उसमें वो बन ब्रेड सॉरी ये क्या है, अरे पहले फुटलॉन्ग कर दिया फिर 10 इंच हो गया, फिर सोचा वो तो 6 इंच का था। तो अभी वही मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, लेकिन देखो पहले एक बार ऑर्डर कर लेता हूँ उसके बाद इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। अरे वो तो दिखा, देखो ऑर्डर तो मैंने कर दिया सबवे से, तो ये ब्रेड के अंदर है ना सिर्फ मैंने सॉल्ट एंड पेपर मैंने डालने के लिए बोला है और रेड चिली सॉस, बस बात खत्म। मतलब नमक और काली मिर्च, हाँ और रेड चिली सॉस, वो बन के अंदर, वो बन के अंदर बस बस बात खत्म। सिखा वो तो आएगा ना एटलीस्ट, वो भी मना कर दिया मैंने, सिर्फ ऐसे ही वो निकालो अंदर डालो ऐसे वो रेड चिली सॉस लगाओ फिर दे दो। तेरे बजाऊंगा कान के नीचे, कुछ भी निकालो डालो, क्या बोल रहा है। तो ये रहा हमारा सबवे का वेज डिलाइट सब सैंडविच, और इसके साथ भाई गलती से ये कोक भी आ गई है, तो ये कोक को साइड पे रख देते हैं और फोकस करते हैं 229 रुपए के सब के ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट पेपर और रेड चिली सॉस है। हाँ भाई हैवी तो है थोड़ा, तो इतना हैवी क्यों है, लेकिन हो ये तो सच में बहुत हैवी है, पता नहीं इसके अंदर क्या डाला है भाई। भाई मेरे को लगता है उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ डाल ही दिया होगा, है ना। अरे यार मैंने बोला ना अपना दिमाग दौड़ा है, उन्होंने ये सब हटाते बहुत आवाज करता है। भाई इसको साइड पे हटाते और अभी फोकस करते सब के ऊपर, क्या डाला है पता है भाई, सारे सॉस डाले, सारे यानी कि जो 2-3 सॉस आते हैं ना उनके रेगुलर। मैं क्या बोलता हूँ, फोन करके बोलना है उनको, फोन नहीं लगेगा सबवे में ऐसा, कैसा लगता है ना। अरे नहीं लगता, एक बार नहीं किया था फोन, वो उन्होंने भांडा फोड़ दिया था सब प्राइस लिस्ट का, मैं ट्राई तो करता हूँ अगर लग गया तो। ए, इसमें मजा नहीं है यार, मेरे को ऐसा कि इसमें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन भाई ये सबवे वाले भाई ने पोपट कर दिया। चलो उनको एक बार ट्राई करते हैं कॉल लगाने का, अगर लग गया तो बढ़िया है, तो प्यार की मीठी बातें करेंगे दो। विवेक मिश्रा नाम है, पता चल गया। हेलो, हाँ जी ये सबवे से है ना, मैंने अभी एक सब ऑर्डर किया था, आकाश जोशी के नाम का ऑर्डर आया होगा आपको थोड़े टाइम पहले। जी सर। हाँ जी, तो उसमें है ना मैंने जो मतलब उस वेजी डिलाइट सब का था, तो उसमें मैंने जो जो चीज़ सिलेक्ट की थी ना उससे बहुत ज़्यादा ही दे दिया आपने, मैंने सिर्फ रेड चिली सॉस और सॉल्ट एंड पेपर बस उतना ही सिलेक्ट किया था, आपने तो बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल दिए जो मैंने सिलेक्ट भी नहीं किए थे। उनको शायद ऐसा लगा होगा कि इन्होंने गलती से ऐसा ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने अपने तरीके से अच्छे के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन उनको क्या पता कि हम अच्छा काम आज करने के मूड में ही नहीं है, आज हमको सब गलत काम ही करने हैं। हे प्रभु, लेकिन सब तो अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है भाई। मैंने अनम्यूट कर दिया था, तू धीरे बोल। हाँ जी, नहीं अंदर सॉल्ट पेपर और रेड चिली सॉस भी सिलेक्ट किया था ना। हाँ, लेकिन उसमें फिर कोई वेजिटेबल आपको नहीं चाहिए था। तो मैंने अंदर सब मार्क भी कहीं नहीं किया था ना, तो वो जो लिखा होता है वही आप देखते हो ना। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि वेजिटेबल में सिर्फ हेलो सॉस को सेलेक्ट कर देते हैं और बाकी वेजिटेबल रेगुलर रहता है, क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें सेम वही अगर नीचे कमेंट आता कि भाई नो कोई वेजिटेबल, सिर्फ ब्रेड और वही जो सॉस मैंने किया है वही चाहिए, तो मैं वही दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ब्रेड ही था इसलिए कंफ्यूजिंग हुई। हाँ लेकिन आप पहले तो होती नहीं है, कोई बात नहीं, आप कॉल कर देते तो मैं आपको बता देता कि मेरे को क्या चाहिए था। हाँ नहीं, इसलिए क्या ना वेजी डिलाइट अगर कोई दूसरा और चीज होता ना अच्छा, मतलब आपके दुकान के बाहर खड़ा रहूंगा और ऑर्डर नहीं करूंगा फिर भी आप हाथ में सब दे दोगे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाकी मेरे को तो ऐसा था कि जितना तो फिर आप नीचे कमेंट कर दीजिए ना कि मेरे को कोई वेजिटेबल नहीं चाहिए, तो फिर नहीं डालेंगे, ब्रेड और चिली सॉस उसमें रहता, बाकी तो ऊपर का पूरा जो सिस्टम बना है आपने वेजिटेबल सिलेक्ट करने वाला वो तो काम ही नहीं कर रहा है ना, फिर मतलब अलग से लिखना पड़ रहा है तो।
हाँ नहीं नहीं मैंने देखो वो तो कोई एरर होगा क्योंकि वो जोमेटो वालों का है सर, वो हमारा जो क्या क्या है वो अच्छा है। अच्छा कुछ अच्छा, ना कुछ अच्छा। एरर जरूर होगा, इसलिए हमारे पास देखिए मैं आपको फोटो दे दूँ तो मुझे क्या आया है, वेजी डिलाइट 15 सेंटीमीटर रेड चिली पर्स और एक कोको कोला और मल्टी ग्रीन ब्रेड प्लेन और सॉल्ट एंड पेपर। हाँ कोई बात नहीं, चलो यही इतना लिखा हुआ, इसकी वजह से वेजी डिलाइट आया तो फिर उसमें वेजिटेबल डाल के दिया कि भाई कोई खाएगा क्या, फिर ब्रेड खाएगा तो कस्टमर को वही चाहिए था ना। उसमें क्या है, उसमें क्या है, मैंने ना एक जगह से सैंडविच ऑर्डर की थी ना, तो उसका ऑलरेडी मेरे पास सैलेड बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा कि सॉल्ट हाँ, तो इसीलिए मैंने ब्रेड सॉल्ट पेपर और रेड चिली सॉस मंगवाया था कि भाई वो सैलेड इसके अंदर डाल के मैं सब बना के अपना खुद का खा जाऊंगा। ऐसे सेम मेरे पास ऑर्डर आया, ऐसे वेजी डिलाइट का दिन में अमुक दो चार ऑर्डर आ ही जाते हैं, और सिर्फ एक बार ब्रेड उसमें साउथ वेस्ट सॉस कलेक्शन किया था कस्टमर ने और कॉटन पेपर वही लपेट के दे दिएगा तो वो ब्रेड को लेके स्टोर पे आ गया। मुझे वेजी डिलाइट का फॉर्मूला आप बताओ कि वेजी डिलाइट का मतलब क्या हुआ। बराबर नहीं कोई बात, वेजी डिलाइट में सिर्फ वेजी सोचा तो आपने डाल के नहीं दिया, तो मैं सिर्फ ब्रेड का मतलब मैं अगर डालता हूँ तो भी जाता हूँ, नहीं डालता हूँ तो भी जाता हूँ। बराबर हाँ ये कंडीशन हो जाती है, ऐसा कोई सीन बने ना सर तो आप प्लीज कॉल कर दिया करें कि मैंने वेजी डिलाइट का ऑर्डर किया है, मुझे सिर्फ ब्रेड चाहिए। कोई बात नहीं मिश्रा जी, हाँ तो वो अगेन में मैं आपको सिर्फ ब्रेड ही लपेट के दूंगा, बाकी उसमें वेजिटेबल डालूंगा ही। कोई बात नहीं, बाकी सब बढ़िया। हाँ ओके सर, हाँ सॉरी सर, ठीक है चलो फिर, घर में सब ठीक? हाँ सर बढ़िया सर, सब सब ओके ओके चलो जी बाय। ओके सर, थैंक यू। अरे इतनी बातें बोलो तो मेरे क्या पूछो, और फिर घर पे सब ठीक और क्या पूछू मैं। लगता है आज है ना मिश्रा जी ने कॉल नहीं किया होगा इसलिए। मिश्रा जी मस्त मूड में थे लेकिन भाई अच्छा बन जाता, देख कितना उन्होंने सही से समझाया। चलो जो भी है भाई, देखो उनके हिसाब से उन्होंने सही काम किया है तो हम उनको तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि भाई हमारे जैसे उठपटांग लोग ऐसे तो मिलते नहीं होंगे ना, बातों बातों में खा गया साला, मेरे को और दो चीजें बोलनी थी सबको। लेकिन आज की पूरी चैलेंज में जहां से हमने खाना मंगवाया था उन लोगों ने हमको जो जो हमारी डिमांड्स थी सारी वो भाई ऑलमोस्ट पूरी की है। सब लोगों को हमने कॉल करके बोला था, इधर कॉल किया होता ना तो काम हो जाता। यस तो अभी बारी है शाउट आउट की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम पुरानी वीडियो में जैसे 3 कमेंट्स को शाउट आउट देते थे हर वीडियो में, भाई ऐसा ही करने वाले हैं। हमारी पिछली वीडियो यानी कि जो PVR वर्सेस बिग ब्रांड्स वाली वीडियो थी उसमें जितनी भी कमेंट्स आई थी उसमें से हमने 3 कमेंट्स पिक किए और वो 3 को हम शाउट आउट देंगे। और आज वाली जो ये वीडियो देख रहे हो आप उसमें भी आप मस्त अच्छी अच्छी कमेंट्स करोगे तो भाई अगली वीडियो में उसको भी शाउट आउट मिलेगा। yes. किसी भी 3 को हाँ. सबको तो नहीं दे पाएंगे। तो आज के शाउट आउट की पहली कमेंट है भार्गव परमार की तरफ से, तो उन्होंने लिखा है कि मुझे तो पहले ये बताओ कि मूवी देखने के बाद जो PVR में नहीं खाता तो वो स्टारबक्स जाके थोड़ी खाएगा, रेकड़ी पर ही खाएगा ना। बात तो सही है, बात तो सही है, सही बात है, सही बात है। तो अगली कमेंट है भाई, नाम बड़ा अटपटा है, O.K9531 यूजर आईडी लगता है शायद, तो उनकी तरफ से और उन्होंने भाई शायरी पेश की है, अर्ज किया है। वाह 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 वाह, हंसाने की कोशिश करते हो अपनी बातों से। हाँ वो तो हम करते हैं। वापिस एक बार, हंसाने की कोशिश करते हो अपनी बातों से, पुरानी वीडियोस वापस लाओ यार, क्यों कंटेंट की वाट लगाते हो अपनी ही हाथों से। ओह अरे भाई ऐसा देखो भाई, पुरानी चीजें ना सबको अच्छी लगती है, मेरे को भी पुरानी पुरानी चीजें या पुरानी पुरानी बातें या पुरानी अब समझ जाओ सबको अच्छा लगता है। हाँ लेकिन भाई समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, और एक एक चीज आप देख कर कितना पक जाओगे उससे अच्छा है भाई, हम देखो थोड़े थोड़े टाइम में सब चेंजेस लाते रहते हैं, हो सकता है कि भाई आपको सब चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग वो भी है जिनको पुरानी वीडियो से आज की वीडियो भी अच्छी लगती हो। हाँ वही ना, और फ्यूचर में भी हम ऐसे चेंजेस करते जाएंगे, क्या पता आपको वो अच्छा लग जाए। हाँ। है ना, तो भाई समय के साथ परिवर्तन जरूरी है और वही संसार का नियम है। यस। तो हम संसार का नियम फॉलो करते हुए ऐसे कॉन्स्टेंटली परिवर्तन लाते रहेंगे। तो आज के शाउट आउट की आखिरी कॉमेंट है साहिल जैन की तरफ से, उन्होंने लिखा है कि ग्लेड टू सी दैट वीवा ब्रदर्स रीड द कॉमेंट्स एंड वर्क ऑन इट एज मेंशन इन रिसेंट वीडियो that they should give close-up of foods they eat. They have implemented it. तो भाई हम ऐसे छोटी मोटी आपकी हर चीज़ों का भाई ट्राई करते हैं करने का, और कभी कभार नहीं कर पाते ना, तो भाई उसका रीज़न वो होता है कि हम वो चीज़ करने के
लिए उस टाइम पर सक्षम नहीं होते, इसलिए नहीं करते। बाकी मोस्टली हमारा ट्राई वही रहता है कि आपको जो अच्छा लगे और आप जो बोलो वो हम करके दिखाए, सिवाय कि भाई पुरानी फूड ईटिंग चैलेंजेस। हाँ। भाई वो भाई मत, भाई वो देखो आपने देख लिया हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत स्पीड में खाते हैं, बार बार वही की वही चीज देखकर आप क्या करोगे। उससे अच्छा है ना भाई ऐसी रियल लाइफ से रिलेट कर पाए ऐसी कुछ चीज हो तो भाई आपको भी देखने में मजा आए और साथ में हमारा खाने का खाना भी हो जाए, है ना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।